अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरे किसी भी अपडेट्स को आप मिस मत कीजिए। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए विन वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से ओप्पो F3 के फ़ोन के गेमिंग रिव्यू देने जा रहा हूँ। कुछ गेम्स जो मेरे पास हैं उन गेम्स को आपके सामने प्ले करके हैं। तो पहले सबसे पहले इसके GPU के इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए आपको पूछेगा, आपकी डिसेबल रख देंगे तो ये नेटवर्क कनेक्टेड नहीं हो पाएगी ऐप। यहाँ पर देख सकते हैं 1.56 to 1.51 MHz क्लॉक है, 7 CPU, 8 कोर है। मीडिया टेक MT6750 नाम की CPU दी गई है। माली T860 की GPU दी गई है। डिवाइस के बारे में 5.5 इंच अवेलेबल रैम 1 GB है। इंटरनल स्टोरेज मुझे मालूम नहीं पड़ रहा क्यों ये इतनी सारी रैम कहाँ यूज़ करती है। चलिए यूज़ करे तो करी। तो इसके साथ आप देख सकते हैं इसके एंड्रॉयड वर्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर बैटरी के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं और थर्मल सेंसर्स सेंसर्स यहाँ पर इतने सेंसर्स, स्टेप काउंटर, स्टेप डिटेक्टर, सिग्निफिकेंट मोशन इस तरह के भी, और प्रॉक्सिमिटी के बारे में दी गई हैं और इस पर स्टेप काउंटर भी दी गई है। चलिए इसके भी हम देख लेंगे। यहाँ पर जायरोस्कोप, ओरिएंटेशन, मैग्नेटोमीटर भी आपको दी गई हैं, लाइट सेंसर्स भी दी गई हैं। चलिए सब हो गई। चलिए अब हम इस गीक बेंच की मदद से बेंचमार्क से देखेंगे कि क्या है रनिंग। गीक बेंच की बेंचमार्किंग देख लेते हैं पहले। चलिए अभी तो ये गीक बेंच 4 के बेंचमार्क्स 100% हो चुकी है। देखेंगे इसमें क्या निकलता है रिजल्ट। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल कोर 754 है, मल्टी कोर 2740 है। गीक बेंच 4.1 आर्किटेक्चर 64 बिट का फ़ोन है ये। यहाँ पर आपको मेमोरी 3.7 GB, यहाँ पर आपको दूसरे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सिंगल कोर देखिए इसका 754 है और दूसरे फोन्स का स्नैपड्रैगन
चलिए इसके नज़दीक कौन सी फ़ोन आती हैं ये हम चेक कर लेते हैं। क्वालम कॉन 800, एलजी नेक्सस 5 इसके नज़दीक आती हैं। तो ये रही मल्टी कोर का, तो यहाँ पर चलिए इसके नज़दीक हम जाए तो शियोमी मी। तो हवाई नेक्सस 6P जो क्वालम कॉन स्नैपड्रैगन 810 का है उसके नज़दीक इसकी स्कोर आती है। ये रही इसके बेंचमार्किंग रिजल्ट्स गीक बेंच की। तो चलिए सबसे पहले एक 2D गेम, सिंपल सा 2D गेम चला कर देखते हैं। तो आप यहाँ पर मुझे लगता है डिनाई ही कर दीजिए। फ्री प्ले यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से, टच रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छी है इस फोन की, नेक्स्ट लेवल देख लीजिए। तो ये छे हो चुकी है हमारी 2D गेमिंग, और 2D गेम बहुत अच्छी प्ले हो रही है यहाँ पर। एग्जिट। और चलिए 3D बड़े गेम्स जैसे कि अभी हम GTA सैन एंड्रयूज प्ले करके देखते हैं। चलिए तो कीप डिसेबल्ड पर प्रेस कर दीजिए, आपको पूछता रहेगा। ये रहा हमारा, ऑफलाइन पर क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट गेम पर नई गेम स्टार्ट हो जाएगी जहाँ से। CJ, I see you rap. Later, smoke.
चलिए आप इस तरह खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी मेरी गेमिंग रिव्यू इस फ़ोन। आप इस फ़ोन में अच्छी तरह से गेम प्ले कर सकते हैं और ये फ़ोन आपको एक अच्छी एक्सपीरियंस देगी। ये थी मेरी रिव्यू ऑन गेमिंग एंड बेंचमार्क। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।